साहब से निवेदन करने कि साढ़े ADC साहब जो इन्हें जल्दी है जल्दी इतना ट्रांसफर किया जा और जितनी भी तहसील बसोली साढ़ा डाली हट का मसला है इधर उपर मतलब रियाल्टी लीती जा गवर्नमेंट रियाल्टी गरीब जनता रियाल्टी देने से तैयार है रियाल्टी देने के लिए सब तैयार है। हाँ गरीब जनता रियाल्टी देने से तैयार है लेकिन साढ़े कन्ने नानसाफी नहीं होनी चाहिए गरीब जनता कन्ने ये मेरी बार बार मांग है। मैं मीडिया के माध्यम कन्ने गल करना कि ये अल्फाज ने साढ़े मतलब LG तक पहुँचना चाहिए साड़ी आवाज और उन्हें तक साढ़े यही मुद्दा है कि ये जी मतलब रियाल्टी है ये साड़ी जनता जी देने से तैयार बैठी दी है रियाल्टी लैन रियाल्टी देने से तैयार हाँ ताकि अस दो नंबर का काम नहीं करना चाहते लेकिन गरीब जनता जी ट्रैक्टर पा दे जो भी है लेकिन असें मटीरियल चाहिए है गरीब जनता जो PMA वाई से पैसा आता है सब काम पेंडिंग पे मकान के असं मटीरियल चाहिए है मटीरियल चाहिए असं डाली खड का ताकि असं नज़दीक पहुँच जाए उसे 150 किलोमीटर उसे 20 किलोमीटर बचे असं मटीरियल डाली का चाहिए ना कि कठुआ और बड़ी के बच्चे मजेदार है अच्छ ट्रैक्टर जिंदे इतने फॉरेस्ट वाले बार बार उन्हें परेशान करते हैं 40 साल तो ट्रैक्टर चल रहे पहले फॉरेस्ट लैंड नहीं हो अज तो 40 साल तक पहले फॉरेस्ट लैंड नहीं हो अच्छे मतलब ड्यूटी लगना अच्छ फॉरेस्ट लैंड बनी है कोई भी ट्रैक्टर जिंदा फॉरेस्ट वाले सारा पहले उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करते मैं आखिया ना कि अज फॉरेस्ट लैंड हुई हो क्या पहले 40 साल पहले फॉरेस्ट लैंड नहीं हो पहले क्यों नहीं ऑपरेशन होया आज क्यों बार बार परेशान कर आज आप ADC साहब से मिले हैं उन्होंने क्या कहा इस मसले उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं हम करते हैं बात उनसे करते हैं कौन जो गए हैं उधर DM वगैरह बात क्या करनी है इकट्ठे बैठ कर 2 घंटे तो इकट्ठे रहिए अब वो ऊपर चलान कर रहे हैं गाड़ियों का ट्रैक्टर जितने भी हैं मैं अभी फोन आया ड्राइवर का कि मतलब चलान कर रहे पूछे थे कि ड्राइवर अपने अपने नंबर लिखाओ खाली गड्डिया नंबर लिखाओ तो कहना अपने अपने नाम लिखाओ मिगी दसो अगर ये बोले दे कि अस छड़ी ते तो भी ना के दस्ते लिखे ना के दस्ते लिखे था क्यों बार बार परेशान कर खाली ट्रैक्टर रोड उपर अगर जब्त हो सकते ना ये गड्डिया सारिया रोड उपर चलदियां नहीं जब्त क्यों किया जा देखिए आशी देखिए जी ये बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा था पिछले 1.5 साल से ये मुद्दा गरमाया हुआ था और कई बार हम इसको ब्लॉक दिवस में और कई बार हम इसको हर एक मीटिंग में हमारे पंच सरपंच नायब सरपंच हमारे BDC DDC सब अपना ये मुद्दा उठा चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये अनदेखा करने की आदत हो चुकी थी सरकार नहीं इस पर संज्ञान ले रही थी और आज ये मजबूरन होना पड़ा कि 40 ट्राली वाले उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर रोक लिए हैं उनको मजबूरन बोला जा रहा है जो कि अपने काम से कहे थे कि आप किलो किलो दो दो किलो रेता डालें ताकि हम आपको चलान दिखाएं क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर आया पहले ये ऊपर वाला क्लियर होगा ये ऊपर है कौन मेरा 5 पॉइंट है उन 5 पॉइंट पे सरकार को आज जवाब देना होगा ये ऊपर कौन है पहली बात और डाली अगर खाली खट बंद की हुई है सरकारी उस पर माइनिंग बंद है तो फिर रात को चोरी चोरी कैसे रेता उस पर सप्लाई होता है अगर वो चोरी हो रहा है तो खुलेआम क्यों नहीं होगा सबको क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि रेते की जरूरत सिर्फ ठेकेदारों को है गरीब जनता को नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे मकान बनाने के लिए ये बोला गया हुआ है कि आपको 6 लाख रुपया मिलेगा जिसमें से एक सब्सिडी फिक्स अमाउंट है उस सब्सिडी के होते हुए क्या वो 2.5 लाख में अपना रेता बजरी सब कुछ ले सकते हैं नहीं ले सकते PMI वाली में आप वहाँ पे चले जाए रोड बन रहे हैं रोडों के लिए नहीं मिल रहा पंचायतों के रोड हैं उसके लिए नहीं मिल रहा लेकिन आज मजबूरी इन्होंने कर दिया कि ये जो एक हर बार खाका तैयार करना है कि हमने माइनिंग रोकी हुई है लेकिन नंबर 2 में माइनिंग चलाएंगे आज सारी पब्लिक की आवाज है कि माइनिंग खुलेगी तो जनवन खुलेगी नंबर 2 में माइनिंग नहीं होगी हमारी बसोली हमारी वो असेट्स है हमारे वहाँ पे रेता बजरी है किसी का नहीं है हम किसी से मांग नहीं रहे अगर हम अपने ब्लॉक में ही नहीं अपनी इंटॉलमेंट कर पा रहे तो हमें उस रेता बजरी का क्या फायदे हैं हर टाइम आप DMO या जो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती है ट्रैक्टर ट्राली को बंद कर दिया और 50,000 रुपये उनको जो है वो बैन करके उनके अंदर करा देती है ये चीज़ बता दी कभी फॉरेस्ट कहता है ये मेरी लैंड है कभी अपने माइनिंग वाले कहते हैं ये हमारा मटेरियल है तो फिर ये बता दें कि हम किसके हैं क्या हम कोई पाकिस्तान से आए हुए हैं हम हिंदुस्तानी नहीं है ये हमारी चीज़ें नहीं है हमारा मटेरियल नहीं है और आज गरीब जनता जिसकी एक लेबर दिहाड़ी दिहाड़ उस 40 ट्रालियों में कम से कम भी 6 लेबर लगे हुए हैं 6 लेबर इंटू लगाइए आप जो भी 240 लेबरों का 240 परिवारों का इन्होंने परिवार आज बंद कर दिया है वो 40 ट्राली वाले अपनी ट्राली की इंश्योरेंस की किस्त कहाँ से देंगे वो ट्राली की किस्तें कहाँ से देंगे क्या ये समझ में नहीं आ रही सरकार हमारी बहबूदी के लिए या हमें परेशान करने के लिए हुई है कोई भी आज यहाँ पे इस चीज को सुन नहीं आता अभी मेरे को स्टेटमेंट मिल रही है कि जल्दी से जुलूस खोल दो वरना हम FIR लगा देंगे अरे FIR की डराना है तो फिर आप पब्लिक को डराने में लगे ना आप अपनी पावरों का गलत फायदा करें
सोल्यूशन चाहिए, ये नहीं चाहिए कि आप FIR किस पे लगाएंगे। यहाँ पे आबादी 80,000 की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड आबादी है, 1,06,000 की आबादी है, 1,06,000 FIR लगती है तो मैं सबसे पहले अपना FIR दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप हर टाइम अपनी पावर दिखाने पे लगे हैं कि मेरी पावर है, मेरी पावर है, तो जनता की पावर सुप्रीम है और उसी के तहत मैं कहता हूँ आवाज दो, आवाज दो। आवाज मेरी नहीं है, ये बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज है। इसमें जितने ब्लॉक्स हैं, जितने DDC हैं, जितने PDC हैं, जितने चेयरमैन हैं, जितने मेंबर्स हैं, ये सबकी आवाज है। मटेरियल मिले, सबको मिले और सरकारी रेट पे मिले।